राज्यसभा की सीट पर बीजेपी खेलेगी नया दांव। कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी के साथ बीजेपी ने कर दिया खेल। राज्यसभा के सपने देख रहे दोनों नेताओं को बीजेपी नहीं देगी टिकट। कुलदीप किरण नहीं, ये नेत्री मार सकती है बाजी। जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने बना डाली नई रणनीति। हरियाणा की राजनीति में दो नेताओं पर आजकल सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक नेता हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, तो वहीं दूसरे वाले यानी कुलदीप बिश्नोई कई सालों से अपनी खाली पड़ी झोली को भरने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं पहले यानी किरण चौधरी का भी यही आलम है। दोनों नेताओं को उम्मीद है कि बीजेपी राज्यसभा की एक सीट उन्हें जरूर देगी, लेकिन सीट तो एक है और दावेदार अनेक। ऐसे में बीजेपी किसे राजी करेगी और कौन ना सीट मिलने पर रूसेगा, ये थोड़े दिनों बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अब एक नई कहानी सामने आई है जिसमें माना जा रहा है कि बीजेपी दलित वोटरों को साधने के लिए ये सीट किसी दलित नेता को दे सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो ये कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी के साथ धोखे जैसा आलम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बड़े बड़े सपने हैं और बीजेपी में शामिल भी इसी उम्मीद से हुए थे कि बड़ा पद और सम्मान मिलेगा। लेकिन मौजूदा हालात में तो दोनों नेताओं के पास फिलहाल दोनों ही चीजें नहीं है। खैर, बीजेपी के मुताबिक सम्मान में कोई कमी नहीं है, बाकी पद तो मिलते रहते हैं। अब सवाल ये है कि राज्यसभा की दावेदारी से ये दोनों नेता क्या पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, और वो नए चेहरे कौन हैं जिन पर पार्टी दाव खेल सकती है? तो आपको बता दें, इसमें बंतो कटारिया और सुनीता दुग्गल के नाम शामिल हो गए हैं। बीजेपी को लगता है जिस तरह से उनसे जाट और दलित वोटर नाराज चल रहे हैं, इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। ऐसे में दलित वोटरों को साधने के लिए अगर उनके बीच से किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाए तो इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो फिलहाल के हालातों की बात करें तो बीजेपी की राज्यसभा दावेदारी में सबसे पहले बंतो कटारिया, दूसरे नंबर पर सुनीता दुग्गल, तीसरे नंबर पर किरण चौधरी, जबकि लास्ट में कुलदीप बिश्नोई का नाम है। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।